अब तक आपने देखा कैसे रामा तथाचार्य और महाराज श्री कृष्णदेवराय तीनों अपनी अपनी पत्नियों के द्वारा दी गई यातना से परेशान होते हैं। दूसरी ओर विजयनगर में पूर्तकाल से एक व्यक्ति राज्य की खुशहाली का निरीक्षण करने आता है। दरबार की कार्यवाही एक व्यक्ति से शुरू होती है जो अपनी पत्नी के चले जाने के दुख में महाराज से सहायता मांगता है। ये देख महाराज अपने राज्य के पुरुषों की स्थिति सुधारने का निर्णय लेते हैं। अब आगे देर से ही सही, परंतु अब समय आ गया है कि इस विषय पर कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। सही निर्णय है महाराज, सत्य वचन महाराज। अभी निर्णय लिया कहाँ है पंडित रामकृष्ण? नहीं नहीं महाराज, जो निर्णय लेने का निर्णय आपने लिया है ना, वो निर्णय सही निर्णय है, सत्य वचन महाराज। महाराज हम भी आपके साथ हैं। उचित है, तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। हम इससे अधिक सह नहीं सकते हैं, इस विषय पर कार्रवाई की जाए। दोनों महारानियों को मैके भेज देंगे, बस यही एकमात्र उपाय है। जी महाराज, अब समय आ गया है कि मैं भी अपने संयम की सीमा निर्धारित करूं। अब अम्मा शारदा और गुंडप्पा, सदा के लिए तेनाली गांव वापस जाने की तैयारी करो। वरुण माला, तुम्हें तुम्हारा मायका पुकार रहा है। हाँ, तुम जाओगी तभी तो सदा भी नहीं आएगी। महामंत्री जी। महाराज, आज के दिवस के लिए कुछ और शेष बचा है? जी महाराज, महाराज सात समुंदर पार पुर्तगाल राज्य से एक महोदय डोमिंगो पेस आपसे भेंट हेतु पधारे हैं महाराज। सात समुंदर पार से आए? जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। Your Excellency को प्रणाम करता, हम आपका बहुत अपमान करता है। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम महाराज का अपमान करते हो? जब पूरा देश अपमान कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकता? हम अपमान करेगा। बुराई अपमान, सम्मान, सम्मान। आपका तात्पर्य सम्मान है ना? Oh, yes, yes, yes. सम्मान, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। Oh, सम्मान, सम्मान, सम्मान कह रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सम्मान। तो महोदय, विजयनगर राज्य में आपके आने का प्रयोजन जान सकते हैं? हमारा नाम डोमिंगो पेस, सात समुंदर पार पुर्तगाल से आया। पुर्तगाल से आया? क्यों आया? लेख लिखने हैं? लेख लिखने के लिए? तुम्हारे पुर्तगाल में कलम स्याही नहीं मिलती। तुम शैतान है? वो तो है। क्या कहा? विद्वान, विद्वान, भाषा की समस्या है आचार्य। विद्वान, हाँ। यस बोल दी मैं। गुरुजी, आपको बाल्टी कहा, बाल्टी। हाँ। प्यार से बोला, बोल दी मैं प्यार से। अच्छा, बाल्टी, बाली। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है गुरुजी। इस विचित्र वेशभूषा वाले मनुष्य के देश में सम्मान देने के लिए बाल्टी शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, तो तुमने महाराज को बाल्टी क्यों नहीं कहा? तुम्हारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे महाराज सम्मानजनक नहीं है क्या? बाल्टी हमें कंफ्यूज करता, बाल्टी का मतलब है जी, हम तो समझ गए। इस विचित्र मानुष के देश में आप जैसे महान विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्य को सम्मान देने के लिए बाल्टी नहीं बाल्टी शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, आप हमें बाल्टी कह सकते हैं, हमें अच्छा लगा। हम तुम्हें धन्यवाद देता है बाल्टी। तो महोदय, आपके विजयनगर राज्य में पधारने का प्रयोजन जान सकते हैं हम? महाराज, योर एक्सीलेंसी, हम लेखक है, दूर देश की यात्रा करता है, वहां के राज्य और निवासियों के संबंध में लेख लिखता। वो कैसे रहता है, क्या पीता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनका त्योहार, उनका व्यापार, उनका जीवन से जुड़े हर संदर्भ के संबंध में लेख लिखता।
महाराज हमारा लेख वर्तमान और भविष्य के बीच में एक खरी का काम करता, आने वाली पीढ़ी को इस पीढ़ी की जानकारी करता। महाराज यो एक्सलेंसी हमारा लिखा गया लेख इतिहास बनाता। यो एक्सलेंसी महाराज भविष्य किसने देखा है? आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं डोमिंगो पेस महोदय? हमारे परिश्रम का बहुत लाभ। हमारा देश और विश्व के लोगों को लेख से आपके देश के संबंध में जानकारी मिलती, वो बहुत खुश होती। आपके चरित्र पढ़कर आप जैसे बनना चाहती, बहुत सम्मान होती। महाराज योर एक्सलेंसी सात समुंदर पार दू देश में खिलती फैलती आने वाली पीढ़ियों आपको साराथी वाह 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 होती। महाराज हम भारत आया और सब लोग विजयनगर और विजयनगर के संबंध में बात करता। संपन्न समृद्ध राज्य, शक्तिशाली राज्य, आपका बहुत बहुत अपमान। सम्मान सम्मान यस सम्मान। महाराज हमारा कंट्री में पति पत्नी झगड़ता है, फाइट करता है, दूसरा तीसरा शादी बनाता है, पर फिर भी झगड़ता है। परंतु हमने सुना कि विजयनगर में हर परिवार बेहाल है। बेहाल? आपका तात्पर्य खुशहाल है ना पीस महोदय? यस यस खुशहाल खुशहाल। स्वयं महाराज की दो चटनी। चटनी? यस जिससे विवाह करता। चटनी नहीं महोदय, पत्नी। यस आपकी दो पत्नी जी। ये पृथक बात है कि वो पत्नी पति की चटनी बना देती है। हाँ ये तो सत्य है। आपकी दो पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न। हम कारण जानना चाहता है। महोदय आपने हमारे और हमारे राज्य विजयनगर के विषय में जो कुछ भी सुना है वो सत्य है। और आपका हमारे विजयनगर में स्वागत है। धन्यवाद महाराज। हम प्रसिद्ध, हमारा लिखा हुआ हर लेख सब लोग पढ़ता। हम बड़ा लेखक, ये हमारी पुस्तिका। इसमें एक बार किसी का नाम आ जाता तो हमेशा के लिए सात समुंदर पार अमर हो जाती। उसका नाम इतिहास में गोल्ड 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 चूर्ण अक्षरों के नाम में लिखा जाता। स्वर्ण अक्षरों में? यस यस स्वर्ण अक्षरों में। यस स्वर्ण अक्षरों में कह रहे हैं महाराज। महोदय ये हमारा और हमारे राज्य का सौभाग्य है कि आप इतनी दूर से हमारे विषय में लिखने आए हैं। दोनों महारानियों का ससुराल जाना निष्कासित, कुछ दिनों पश्चात भेज देंगे। वरुण माला को थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा। ये तो विवाह पद्धति पर लेख लिख रहा है, कहीं हमारे बारे में कुछ गड़बड़ लिख दिया तो। महाराज ये क्या कर दिया, मेरे निर्णय पर पानी फेर दिया। अब मैं अम्मा शारदा और गुंडप्पा को तेनाली गांव नहीं भेज पाऊंगा। धन्यवाद महाराज। तो आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? आपके राजमहल, हम वहाँ पे लेख लिखेगा। हमारे राजमहल? नहीं नहीं आप पहले पंडित रामाकृष्ण के आवास पर जाइए, उनके विषय में लेख लिखिए। महाराज गुरुवर के होते हुए पहले मेरे घर कैसे जा सकते हैं? हम क्यों, हमारे ऊपर पहले क्यों पंडित रामकृष्ण जी? गुरुवर आप हमारे आदरणीय हैं। हमारा अनुरोध है कि आप सर्वप्रथम गुरुवर पर लेख लिखिए। ये विजयनगर के राजगुरु हैं, हमारे गुरु हैं। उसके पश्चात आप पंडित रामा के आवास पर चले जाइए, ये हमारे विशेष सलाहकार है, इनके विषय में भी कुछ लिखिए। और फिर महामंत्री महामंत्री तिमरसु, इनके विषय में भी कुछ लिखिए। फिर नगर कोतवाल है, अब बाकी तो जनता है हमारी। नगर जनों के विषय में भी आप कुछ वर्णन दीजिए, क्योंकि इन सभी के विषय में लिखे बगैर आपकी ये पुस्तिका अधूरी रह जाएगी। ओके महाराज, बट हम आपके घर कब चलेंगे?
संध्या के समय आप संध्या के समय हमारे महल आइएगा, हम आपका परिचय हमारी दोनों रानियों से करवाएंगे। धन्यवाद महाराज। अद्भुत, तो अब हमें आज्ञा दीजिए। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 गुरुजी ये बहुत ही सुनहरा अवसर है यहीं बैठे बैठे सात समंदर पार प्रसिद्ध होने का, सदा सर्वदा के लिए अमर होने का। इस अवसर को कतई मत गवाना गुरुजी। गुरुजी आपका नाम आएगा तो हम दोनों का नाम तो निश्चित आएगा। कैसा इतिहास, कौन सा इतिहास, हमारे पास व्यर्थ समय नहीं। गुरुजी कलारा का नाम याद है आपको? कलारा उसे कैसे भूल सकते हैं? क्या रंग था उसका? उसका रंग तो ऐसे था जैसे किसी ने दूध में सिंदूर मिला दिया हो। गुरुजी ये डोमिंगो पेस उसी देश का निवासी है और वहां पे ना जाने कितनी कलारा जैसी युवतियां होंगी जो आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी। हाँ गुरुजी थोड़ा सोचिए तो, वो सुंदर सुंदर नवयुवतियां आपके व्यक्तित्व से सम्मोहित होकर आपके शिष्य बनने के लिए यहीं चली आएंगी। चिंता मत करो धनी मनी, इस डोमिंगो पेस की पुस्तिका में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। हमारा भी लिखा जाएगा। वरुण माला को मायके भेजने का कार्यक्रम रद्द, हमें अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना है। गुरुवर एक प्रश्न है। अभी हम व्यस्त है पंडित रामाकृष्ण, हमने कहा ना स्नान करने के पश्चात तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। चलिए महोदय हमारे गुरुजी के निवास पर चलिए, वहीं बैठकर गुरुजी के बाल्टी पर लिखना। हम हमारी बुक पर लेख लिखेगा, बोल दी पर नहीं। नहीं नहीं नहीं, इनका कहने का तात्पर्य है कि हमारे विषय में लिखे। सबसे पहले हम बौद्ध में बारे में लिखेगा, उसके बाद इसके संबंध में लेख लिखेगा। रामाकृष्ण हमें तो लगा था कि आप केवल विशेष व्यक्तियों के संबंध में ही लिखते। बौद्ध हम सब के संबंध में लिखता है। चलिए शीघ्र हमारे साथ चलिए, हम अपनी भविष्य में होने वाली शिष्याओं को और प्रतीक्षा नहीं करवा सकते। तो चलो ना बाउल्डी, हम कब से तैयार है, तू बीच में खड़ा होके बात बनाता, चलो। नहीं बनाता है, आपको लेके चलता है। आइए आइए आइए। क्या सोच रहा है रामा? पता नहीं क्यों बंधु, किंतु मेरी छठी इंद्रिय सक्रिय हो रही है, जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। डोमिंगो पेस की पुस्तिका में अपना नाम अंकित करा दे, मुझे भी अमर होना है। चुप कर, तुझे अमर होने की पड़ी है, जबकि इसके कारण अम्मा शारदा गुंडप्पा का तेनाली गांव जाना रद्द। पता नहीं क्या होने वाला है जब तक ये यहाँ है। मनी बुड्ढा चिंतित है, पूछ पूछ क्यों? गुरुजी क्या हुआ, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये सोचकर कि वरुण माला निवास स्थान पर क्या कर रही होगी। हाँ अब पेस मोदे हमारे घर पर आ रहे हैं, ना जाने गया अवस्था कैसी होगी, हमारा हृदय तनिक विचलित है। गुरुजी वैसे तो कभी दुष्टों की सुनते नहीं है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपकी जरूर सुन लेंगे। अरे मूर्खो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखा करो। अरे अपेश मोदी हम कह रहे थे कि ये दीवार पर क्या है? ये दीवार पर ये उपले, गाय 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 का दूध, वो गाय का गोबर। ओह माय गॉड, पर गाय खड़ी दीवार पर गोबर कैसे किया? इस मोदी आप गलत समझ रहे हैं, ये गाय दीवार पर गोबर कैसे कर सकती? तुम झूठ बोल रहे हो बाउल्डी मैन, हमें दिखाई नहीं देता। ए भगवान, ये तो धनी मनी से भी मूर्ख निकला, ये लिख कैसे लेता है?
धनीचार्य मनीचार्य, आप पेस महोदय को समझाइए कि ये गाय ने दीवार पर गोबर कैसे किया, हम जाकर वर्णमाला को सावधान करते हैं, अर्थात पेस महोदय के आने की सूचना देते हैं। जैसी आज्ञा गुरुजी। पेस महोदय, आप हमारे शिष्य धनीचार्य मनीचार्य से अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम चलते हैं। धनी मनी, हाँ, इसे समझा कर घर ले आना। जी गुरुजी। चलते हैं। तो आइए पेश महोदय, हम समझाते हैं। पंद्रह एकदम पंद्रह, पंद्रह दुई ती, पंद्रह तिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, गुंडप्पा पंद्रह का पहाड़ा याद कर रहे हैं। आज सूर्य किस दिशा से उदय हुआ भाई? लामा, मेरा ध्यान भागना मत कर, मेरे अध्ययन में विघ्न मत डाल, देख बुला दिया ना पादा। हाँ, तू याद कर, याद कर। पंद्रह दुई तीत, पंद्रह तिया तालीत, पंद्रह तालीस नहीं गुंडप्पे, पैतालीस। अम्मा देखो ना लामा को, तब बुलवा दिया। तू उसे अध्ययन करने दे, तू यहाँ यहाँ मेरे लाल लाल। हाँ, विचार अम्मा के ही है। आना अम्मा, शताब्दियां व्यतीत हो गई ये शब्द सुने हुए। आ? प्राणनाथ, स्नान गृह में आपके स्नान के लिए गरम जल रख दिया है। प्राणनाथ, कौन मैं? इतनी मधुर वाणी, अरे गुंडप्पे पहाड़ा याद कर रहा है। अम्मा ने मुझे लाल कहकर संबोधित किया और तुम मुझे प्राणनाथ कह रही हो। हे ईश्वर, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? अरे धन, ये स्वप्न नहीं सत्य है स्वामी। स्वामी, आप जाकर स्नान कीजिए, हम जाकर आपके लिए भोजन की तैयारी करते हैं। वो नहीं आए जो आ गया सासुमा, हम अभी जाकर तरकारी लेकर आते हैं। सासुमा, ये क्या हो रहा है? शारदा रुको, तरकारी मैं ले आता हूँ। तुम तो वैसे भी कभी तरकारी लेने गई नहीं, वो तरकारी वाला तुम्हें बासी तरकारी दे देगा। नहीं, हे भगवान, हमारे होते हुए आप तरकारी लेकर आएंगे, ये सुनने से पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? हे प्रभु, ये तो कुछ अधिक ही हो रहा है, इन तीनों ने अवश्य कोई खिचड़ी पकाई है। मेरे लाल, हमारे होते हुए घर का मुखिया यानी कि तुम? नहीं नहीं नहीं, तू मेरे लाल। मैं तरकारी खरीदने जाएगा तो सब क्या बोलेंगे कि शारदा अपने पति परमेश्वर का ध्यान नहीं रखती, उससे कार्य करवाती है, और उसकी अम्मा शारदा का साथ दे रही है। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तरकारी लाने का कार्य शारदा का है, उसे करने दे। वही तो, तरकारी लाना तुम्हारा कार्य है, मुझसे क्यों करवाते हो? तब नहीं सोचा कि बाहर वाले क्या कहेंगे? वो बाब पेश महोदय नहीं आए थे ना तब तक। प्राणनाथ, पेश महोदय? अरे पेश महोदय, वही जो विजयनगर उसके सभी निवासियों पर लेख लिखने आए हैं। वही जो दित का नाम लिख लेते, वो इतिहास में अमल हो जाता है। ओ वो, वो तेरे साथ आया नहीं? मेरे लाल। नहीं, वो अपने लाल के पास, मेरा मतलब है वो गुरुवर के घर गए हैं, पहले उन पर लेख लिखेंगे। आश्चर्य है, इन लोगों को दरबार में क्या हुआ इसकी सूचना कैसे मिल जाती है? अलता तो नहीं आले? नहीं, दत्ते लेकिन मिला तमाय व्यर्थ कर दिया। पहले नहीं बता सकता था तू? पेस महोदय नहीं आ रहे हैं, व्यर्थ ही नाटक करना पड़ा। नाटक उठा लो। हाँ शारदा, मैं तौलिया उठाकर स्नान करने ही जा रहा हूँ। नहीं, थैला उठा लो और जाओ, जाकर तरकारी लेकर आओ। अरे किंतु मैं स्नान कर लेता हूँ ना, तरकारी तुम ले आओ, जल शीतल हो जाएगा। उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस जल से हम पुनः स्नान कर लेंगे, तुम जाओ और तरकारी लेकर आओ। अरे किंतु अभी तो तुमने कहा था कि तुम
समझ गया। मुझे पूर्व ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम लोगों ने पेस की पुस्तिका में अपना नाम अंकित करवाने हेतु किया है ना? समझ गया ना? हाँ समझ गया। अब जा। डोमिंगो महाशय साथ नहीं आए तो यहाँ सबने अपने अपने रंग दिखा दिए। अपना जाने क्या आगे होने वाला है विजयनगर में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.